नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की मेहमान है सुरों की सच्ची साधिका और हिंदुस्तान की जानी मानी शास्त्रीय गायिका उमा गर्ग जी। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उमा जी, पहला सवाल तो मेरा बहुत ही पसंदीदा सवाल है, और जब भी आप जैसे मूर्धन्य कलाकारों से बातचीत का मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछता हूँ कि बचपन कैसा था, बचपन की शरारतें कैसी थीं, और क्या कुछ अलग था या बिल्कुल वैसा ही बचपन था जैसा हम सभी का होता है। बचपन में मैं शरारती तो बहुत थी, पर एक मध्यवर्ती फैमिली जैसी होती है। हम स्कूल जाते थे और एक रूटीन में सब कुछ था। हमारी माँ खुद कलाकार थी, मेरी माँ, वो मेरी पहली गुरु हैं, और गाती भी थी, और उनका तो ये था कि वो इजराज भी बजाती थी। तो बचपन से उन्होंने एक बहुत ही क्या कहते हैं रूटीन बना दिया था। मुझे याद है मैं 5 साल की थी तब से मैं गा रही हूँ स्टेज पर, और वहाँ तब हम रहते थे उधर पटना के पास रामगढ़, तो वहाँ दुर्गा पूजा के टाइम पर हम लोग बंगाली परिवार से थे हम, बाद में तो मैं गर्ग हुई। तो वहाँ मंच पर 5 साल की थी, राग यमन मेरी माँ ने सिखा दिया था और मैंने गा भी दिया था। तो ये था, और शरारती भी थी, और पर एक बहुत रूटीन से अपना चलता था। सुबह उठना, थोड़ा सा रियाज कराना, फिर स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल से आगे इवनिंग में ज़रूर रियाज पे बैठना, स्वरों का रियाज मेरी माता जी कराती थी, और फिर हम अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खूब उधर मचाते थे, पूरे मोहल्ले में घूमते थे। वो भी था, मेरे से बड़े ब्रदर थे, 2 साल बड़े थे, हम दोनों मिलके पूरे मोहल्ले में घूमते भी थे, शरारती में किया करते थे। ऐसे ही बचपन बीतता चला गया, और गाना भी सीखते रहे साथ में। गाना ऐसा था कि हमने कभी ये उस वक्त मेरे ये नहीं था कि भाई क्लासिकल है, ये लाइट है, और ये चीज़ नहीं गाना, ऐसा हमारे घर में नहीं था। हाँ, फिल्म म्यूज़िक के लिए ज़रूर मना किया जाता था, फिल्म नहीं देखना, फिल्म जो हम ले जाएंगे कभी दिखा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिल्मी गाने सुनना भी हमारे घर में बहुत। और उन दिनों लता जी के गाने मैं बात कर रही हूँ, मैं 50 बॉर्न हूँ, तो आप सोचिए 60 और 50 के बीच के जो गाने थे, हम कैसे रोक पाते थे, चारों तरफ वो लाउड स्पीकर में बजता रहता था, और पर घर में हम ना सुन पाते थे ना गाने का तो सवाल ही नहीं उठता। रेडियो होता था उन दिनों, तो वो रेडियो भी, रेडियो में सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक मेरे पिताजी रोज़ रात को, तो मैं तब से ही हीराबाई बड़ोदकर जी को सुन सुन के मेरे मन में हुआ कि मैं ऐसी कलाकार बनूंगी, इनके जैसा मैं ये गाना मैं गाऊंगी, मेरे मन में हुआ। और उधर लता जी के गाने भी मुझे बहुत आकर्षित करती थी कि क्या गाती हैं, पता नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं छुप के जाके उनका गाना सुन के छुप के रोया करती थी, मुझे इतना रोना आता था। मैं आज भी सोचती हूँ तो उनके कुछ गाने ऐसा ही है जो मैं रोती थी जार जार, और सुनना भी अच्छा लगता था। तो इस तरह बचपन करते करते बड़े हुए, इलाहाबाद पहुँचे जब मेरे पिताजी के ट्रांसफरेबल जॉब था, तो जब इलाहाबाद गए तो इलाहाबाद में स्कूलिंग सारी हुई 12th तक,
उमा जी, अभी आपने सवाल के बचपन के सवाल के जवाब में कहा कि माँ आपकी पहली गुरु थी, तो क्या माँ संगीत से जुड़ी हुई थी, आपने जिक्र किया, लेकिन क्या कभी माँ ने ये सोचा था कि आपको एक प्रोफेशनल सिंगर बनाना है, या माँ का सिर्फ ये इरादा था कि संगीत के संस्कार देने हैं? अब उन्होंने क्या सोचा था मैं कह नहीं सकती, लेकिन एक नियम से रियाज कराना उन्होंने मुझे कराया और सिखाया। कभी मुझे ये कहीं गाने के लिए मना नहीं किया, बल्कि और कोई भी आता था उन दिनों, तो हम घर में कोई आ गए, कोई घूमने आए, शाम को हम लोग किसी के यहाँ चले गए, यही था हम लोगों का उस समय का। तो कहीं प्रोग्राम हो रहा है, स्टेज सजा है, तो वहाँ गाने के लिए बोलते थे तो हम गाते थे। मेरे मामा जी लोग, दो तीन मामा थे मेरे माँ के जो ब्रदर्स थे, तो वो एक तबला बजाते थे, एक हारमोनियम बजाते थे, मतलब एक महफिल सा भी। जब हमारे मैं जब मामा के यहाँ जाती थी, वो कलकत्ते में रहते थे मेरी माँ का जो मायका था, तो पूरा महफिल सा बैठता था। और वहाँ पे मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जब मेरी माँ ले गई, मुझे सिखाया, फिर वहाँ एक गुरु भी मिले, उनसे भी सिखाया था। तो मेरे मामा जी एक हारमोनियम पे थे, तब सब पूरा महफिल सा घर में ही हुआ करता था। फिर वो पूजा के टाइम, दुर्गा पूजा में वहाँ मंच सजता था, उसमें भी होता था। तो मुझे कहा कि माँ ने कहा, देखो भैया, अपने भाई से, भैया ये गा रही है, इसके साथ जरा संगत आप करिए। तो मुझे याद है मैंने राग गौड़ सारंग उस वक़्त बहुत रियाज में था, और मैंने बड़ा ख्याल गाया, तो मेरे मामा जी लोग कहे, अरे ये तो बड़ा एक ताल में बड़ा ख्याल गा रही है। फिर उसके बाद तान सरगम सब गाया। तो वही चीज़ मैं इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति के कंपटीशन में भी मैंने गाया था, तब मैं क्लास 8th में पढ़ती थी, और फर्स्ट आई थी ऑल इंडिया कंपटीशन में। वही राग गौड़ सारंग, 6 मिनट का टाइम था, उसमें 4 मिनट बड़ा ख्याल और 2 मिनट छोटा ख्याल गाया। पूरे ऑल इंडिया बहुत बड़ा हुआ करता था, जानते होंगे, अब तो वो बात नहीं है, लेकिन उस जमाने की बात है। मैं जब क्लास 8th में थी, मेरे ख्याल से वो 64 की बात है, 64 की बात है। और उस ज़माने में नरगिस जो फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनको बुलाया गया था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके हाथों से मुझे वो शील्ड मिला था इंडिविजुअली। मैं फर्स्ट आई थी गौड़ सारंग के। तो अब आपका जो सवाल था, उसमें ये था, प्रोफेशनली शायद मेरी माता जी ने नहीं सोचा होगा कि मैं इसको अपने प्रोफेशन में बनाऊंगी, लेकिन वो अपने आप ही वो होता चला गया। बल्कि जब मैं यंग हुई, थोड़ा ज़्यादा नाम होने लग गया, तो मेरी माता जी को चिंता हो गई कि ये सब बंद करो, इसका इसकी शादी करो, इसको ससुराल भेजिए, नहीं तो लड़की को इतना, मतलब ये मैं 10th में थी, 10th 11th में, तब से ही मेरी माता जी मेरे पिताजी से कहती थी कि इसको शादी करके जिम्मेदारी पूरी करो। तो उस वक्त शायद नहीं सोचा होगा, तभी ऐसा कहती थी। लेकिन उमा जी, फिर वो समय भी आया होगा जब आपने तय किया होगा कि नहीं, मुझे प्रोफेशनली सिंगिंग को अडॉप्ट करना है। यानी मैं बहुत सारे कलाकारों से बात करता हूँ और वो ये कहते हैं कि मुझे म्यूज़िक भी नहीं करना है, या मुझे डांस भी नहीं करना है, मुझे डांस ही करना है, या मुझे म्यूज़िक ही करना है। आपने ये कब तय किया? अब संगीत ही करना है, ये बात मैं जब एमए कर रही थी, उससे पहले तक, देखिए मैं जब 10th में थी, तब से शादी की बात शुरू हो गई थी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा नहीं, इसको मैं पढ़ाऊँगा। और मैं 10th में फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेकर मैं निकली,
पूरा इतना नाम हुआ उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 12th में आई तो दो फर्स्ट आई, फिर BA ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन तक पढ़ाने का था मेरे पिताजी को, उसके बाद शादी करेंगे। लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ कि मेरा गाना जो है लोगों को इतना अच्छा लगने लगा और वो घर आके मुझे बुला के ले जाते थे, तो पिताजी साथ में जाते थे जहाँ भी ले जाते थे गाने के लिए, तो इस तरह से ये शुरू हो गया। मैंने जब मैं MA में थी तब मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ गाना गाऊँगी, और पिताजी से कहा कि आप मेरे बाद एक मेरी सिस्टर थी उसकी शादी कर दीजिए, मैं सिर्फ गाना गाऊँगी और शादी नहीं करना मुझे। जब मैं MA में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई और गोल्ड मेडल मिला और ये सब हुआ तब मैंने सोचा। उमा जी, आपने राग यमन की बात की, राग गौड़ सारंग की बात की, तो बहुत ही विनम्रता से गुजारिश करता हूँ कि कुछ हमें भी सुनाइए। हाँ मैं सुनाऊंगी। मुझे जब मैं बाद में जब किराना घराने के संपर्क में आई, किराना घराने की गायकी तो बहुत पहले से ही मुझे पसंद था, मैंने आपको पहले ही बोला उनको सुना करती थी हीराबाई बड़कर जी को, मगर मैं आमिर खान साहब को भी बहुत बाद में सुनने लगी, क्योंकि वो गायकी जो है किराना और इंदौर का बहुत मेल है। मेरे जो गुरुजी पंडित मणि प्रसाद जी किराना घराने के, वो ही गायकी है, तो वो मुझे बहुत आकर्षित करने लगी। उससे पहले मैंने मेरठ में हमारा पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ तो मेरठ से मैंने किया था MA, वहाँ मैंने पंडित प्रेम प्रकाश जौहरी जी से सीखना शुरू किया, उन्होंने वो आमिर खान साहब के शागिर्द थे, तो वही गायकी। बाद में मैंने फिर पंडित जी से जब मेरे गुरु जी से मणि प्रसाद जी से सीखना शुरू किया तो सेम गायकी। तो मैं आपने सुनाने की बात कही तो मैं जब उन्होंने शुरू में तोड़ी मियाँ की तोड़ी सिखाना शुरू किया तो मैं कहूँगी बरसों तोड़ी मैंने उसको, आज भी मैं तोड़ी इतना पसंद है, और उनकी बंदिश पंजाबी बंदिश मुझे बहुत पसंद है और वो ट्रेडिशनल है, बहुत लोगों ने गाया है, मैं उसको थोड़ा सा आपको तोड़ी का ही सुना रही हूँ। मसलत पुछड़िया तो सारी मैं मसलत पुछड़िया तो तेरा पिछो मैनू रांझन मिलिया, तेरा पिछो मैनू रांझन तुसी दसो सहेलरियो, नी मैं मसलत पुछनिया तो सरगमा दगर गे सा मसलत पुछनी।
गगर सरे ग म ध प म गर छ नि ध म ध नि सरे ग ग रे सा सरे ग म ध नि सरे छ नि ध प म ग ग रे सरे ग म ध नि नि ध म ध नि रे ग नि ध प म ग ग रे सा मसलत पूछनी आदो सा। उमा जी के साथ इस बातचीत में वक्त है एक ब्रेक का। कल रात ठीक 9 बजे हमसे फिर जुड़िएगा और देखिएगा इस बातचीत का दूसरा हिस्सा।